हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मज़े होंगे। मेरा नाम नासिर है और आप देख रहे हैं एबी टेक व्लॉग। तो आज हम लोग जिस स्मार्टवॉच का रिव्यू करने वाले हैं, काफ़ी शानदार वॉच है और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स इस वॉच में मिलने वाले हैं, तो पूरी तरह से तारीफें होने वाली है। बाकी आप लोग बिल्कुल भी जज मत करना कि ये कोई पेड रिव्यू है, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को देने वाला हूँ। और कल मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाला था कि आप लोग गेस कीजिए कि ये कौन सी वॉच है, तो काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट्स आए, काफ़ी अच्छा लगा। बाकी उसमें से कुछ लोगों ने सही जवाब दिया और जिन्होंने पहले जवाब दिया उनके लिए प्राइस रेडी है। मैंने वहाँ पर कहा था कि जिन लोगों ने मेरी पिछली दो तीन वीडियोस देखी है तो उन लोगों को पता होगा। तो देख सकते हैं बैक साइड में इसका बॉक्स रखा हुआ है और इसका नाम है हेलो RS4, जो कि काफ़ी अच्छी ब्रांड है। और चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है और क्या क्या फीचर्स इस वॉच में मिलने वाले हैं। बाकी इसको मैं 5 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का बॉक्स मिल जाता है, ऊपर साइड में हेलो की ब्रांडिंग है, RS4 इसका मॉडल नंबर है और वॉच की डिज़ाइन बनी हुई है। इस सेट की बात करें तो वॉच का सबसे बड़ा हाइलाइटेड फीचर है 1.78 इंच की, इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली है। वहीं इस सेट की बात करें तो यहाँ पर आपको SPU2 का फीचर भी मिलने वाला है और बैक साइड में सभी हाइलाइटेड फीचर्स मेंशन किए गए, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो अब जल्दी से रैप को कट करते हैं और बॉक्स को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इस तरह से वॉच रखी हुई मिल जाती है, इसको निकालते हैं और फिलहाल रखते हैं साइड में और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है जिसको आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से वॉच को यूज़ करना है और पेयर करना है, तो ज़रूर से आप इसको पढ़ लें। बाकी यहाँ पर आपको एक USB A to मैग्नेटिक केबल मिल जाती है जिससे आप वॉच को चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं तो बॉक्स में और कुछ भी नहीं मिलता है। अब आते हैं वॉच की तरफ। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको राइट साइड में बटन मिल जाती है। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको सेंसर्स मिल जाते हैं और देख सकते हैं जो सेंसर का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। बाकी स्ट्रैप की डिज़ाइन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का, यहाँ पर आपको स्ट्रैप मिल जाता है। तो अब इसको ऑन करते हैं, देखते हैं बैटरी है या नहीं। तो यहाँ पर हेलो की ब्रांडिंग आ चुकी है और वॉच ऑन हो रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर QR कोड आ गया है जिसको स्कैन करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस एप्लीकेशन का यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है। तो इसमें आपको हेलो फन एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है, तो इसको इंस्टॉल करते हैं और वॉच को फ़ोन से पेयर करते हैं। तो वॉच फ़ोन से पेयर हो चुकी है, एक अपडेट भी आया था उसको मैंने अपडेट कर लिया है। अब मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, उसके बाद मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बाकी जब तक आप वॉच को फ़ोन से पेयर नहीं करेंगे वॉच पूरी तरह से ऑन नहीं होगी। जिन लोगों को नहीं पता कि हेलो कौन सी ब्रांड है, तो ये काफ़ी अच्छी ब्रांड है और काफ़ी सारे स्मार्ट वॉच इनकी आ चुकी है। ये लेटेस्ट मॉडल आया है और जैसे Amazfit शुरू में आई थी तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, बट धीरे धीरे अच्छे से उनकी वॉच आती गई और अभी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट हो गया है Amazfit पर। सैमसंग के बाद Amazfit का नंबर है जिस पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है और मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था तो आप ही लोगों ने बताया था कि सैमसंग के बाद Amazfit पर हमको भरोसा है। तो इस ब्रांड को आए हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुए, बाकी काफ़ी अच्छी वॉच मुझे लगी और हो सकता है आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छी ब्रांड निकल कर आए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इन 5 दिनों में मैंने क्या क्या इसमें फेस किया, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो सब आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले इस वॉच की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की डिज़ाइन मिल जाती है जो कि कुछ हद तक Amazfit GTS से मिलती जुलती है, बट देख सकते हैं जो Amazfit GTS 3 है उससे और इसमें साइज़ में कितना अंतर है। तो इसका साइज़ बड़ा है और इसकी डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ी है, तो डिज़ाइन वाइज काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी खूबसूरत वॉच है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको मेटल बिल्ड मिल जाती है, तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सॉलिड है और बैक साइड में जहाँ पर सेंसर है वहाँ पर ग्लास यूज़ किया गया है। स्ट्रैप की बात करें तो यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी सिलिकॉन मटेरियल स्ट्रैप मिल जाता है, तो स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का बकल मिल जाता है जो कि काफ़ी यूनिक है, बट आप लोगों ने रेडमी वॉच में इस तरह के बकल को देखा होगा। तो डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई इस वॉच की। बाकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है, तो इसको आप पानी में यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा गहरे पानी में लेकर जाएंगे तो वॉच ख़राब हो सकती है। और इसका वेट है 50 ग्राम, तो ज़्यादा भारी नहीं है, अगर आप देर तक भी पहनते हैं तो आपको फील नहीं होगा। बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी 1.78 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है जिसकी क्वालिटी अमेजिंग है और यहाँ पर आपको हाई रेजोल्यूशन मिल जाता है 360x448 पिक्सल, तो डिस्प्ले बिल्कुल शार्प है, आपको पिक्सल बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। तो डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे अमेजिंग लगी और आउटडोर विजिबिलिटी की बात करें तो काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले,
अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज़ करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी अभी वेदर क्लाउडी है तो देख सकते हैं क्लाउडी वेदर में काफ़ी अच्छे से ये विजिबल थी। बाकी इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले तो मिल जाती है लेकिन ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता है और ये चीज़ मुझे काफ़ी अजीब लगी। बाकी हो सकता है अपडेट के साथ ऑलवेज ऑन का फीचर भी इसमें ऐड हो जाए बट अभी के टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद वॉच फेस की बात करूँ तो इसमें बिल्ट इन 6 वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाता है और इसमें आप कस्टम वॉच फेस लगा सकते हैं, अपने फोटो को वॉलपेपर की तरह लगा सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पर आपको 28 वॉच फेसेस का सपोर्ट मिलता है तो काफ़ी कम वॉच फेस दिए गए हैं। बाकी हो सकता है अपडेट के साथ वॉच फेस भी और ऐड हो जाएं। और जो वॉच फेस दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही डिस्प्ले में आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाती है। इस वॉच में आपको रेस्ट वेक फंक्शन भी मिल जाता है और इसका जो रिस्पॉन्स है वो अल्ट्रा फास्ट है। आप जैसे हैंड को ट्विस्ट करेंगे इंस्टेंट इसकी डिस्प्ले ऑन हो जाती है और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने मिस किया हो, तो रेस्ट वेक काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है इस वॉच में। डिस्प्ले की बेजल की बात भी कर लेते हैं तो देख सकते हैं ऊपर साइड में लेफ्ट और राइट में काफ़ी कम बेजल मिलता है बट नीचे साइड में आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेजल देखने को मिलता है, तो नीचे साइड में थोड़ा ज़्यादा बेजल है। बाकी अगर आप ब्लैक कलर का वॉलपेपर लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। बाकी डिस्प्ले का साइज़ बड़ा है तो वॉच का साइज़ भी थोड़ा बड़ा है। बात करें फीचर्स की तो चलते हैं इसके मेन्यू में, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेप काउंट का फीचर मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको हार्ट रेट का फीचर मिलता है और SPO2 का फीचर भी मिल जाता है और इसमें आपको अलग से सेंसर भी मिल जाता है SPO2 का, तो दोनों की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है वो मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके बाद इस वॉच में आपको 12 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं जिसमें काफ़ी सारे मोड्स दिए गए हैं आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप एक्सरसाइज रिकॉर्ड देख सकते हैं। उसके बाद इस वॉच में आपको वेदर फोरकास्ट का फीचर मिल जाता है और 4 दिन का वेदर आप देख सकते हैं। उसके बाद स्लिप ट्रैकिंग, यहाँ से नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, मैसेज को पढ़ सकते हैं, रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। और इस वॉच में आपको म्यूज़िक कंट्रोल का फीचर मिल जाता है और यहाँ पर वॉल्यूम को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको स्पीकर नहीं मिलता है तो इस पर आप म्यूज़िक को नहीं सुन सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर आपको स्टॉप वॉच, टाइमर और फाइंड डिवाइस का फीचर मिल जाता है, तो अगर आपका फ़ोन कहीं रूम में खो गया है तो आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फीचर मिल जाता है और यहाँ से ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं और देख सकते हैं डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। उसके बाद लास्ट में आपको सेटिंग्स मिल जाती है, सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर वॉच फेस, ब्राइटनेस, अबाउट, पावर ऑफ और रिसेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यही कुछ फीचर्स मिलते हैं इस वॉच में, बाकी सारे फीचर्स काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी कि लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं आपको लेकिन सारे काफ़ी ऑप्टिमाइज हैं और काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। हेल्थ फीचर की बात करें तो इसमें आपको 12 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं और इसके पेडोमीटर की एक्यूरेसी काफ़ी ज़बरदस्त लगी मुझे। सबसे पहले मैंने 150 स्टेप्स लिए और इसने 153 काउंट किए तो रिजल्ट काफ़ी एक्यूरेट आया। और इसमें आपको कनेक्टेड GPS का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो फ़ोन के GPS को यूज़ करके ये आपके लोकेशन को ट्रैक कर सकती है। तो उसके बाद मैं आउटडोर में निकल गया और वहाँ पर मैंने 500 स्टेप्स लिए और इसने 497 काउंट किए, तो जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़बरदस्त आई और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन भी ट्रैक हो गई। तो इस रूट पर मैंने वॉकिंग की तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी सही लगी। उसके बाद यहाँ पर आपको हार्ट रेट का फीचर मिल जाता है और हार्ट रेट की एक्यूरेसी ज़बरदस्त है। मैंने इसको ऑक्सीमीटर के साथ कंपेयर किया तो रीडिंग बिल्कुल मैच कर रही थी और इसका हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तुरंत ये रीडिंग कर लेती है। और उसके बाद मैं दौड़ कर आया, दोबारा से मैंने चेक किया तो भी रीडिंग काफ़ी हद तक मैच कर रही थी, तो हार्ट रेट की एक्यूरेसी ज़बरदस्त है। उसके बाद यहाँ पर आपको SPO2 का फीचर मिलता है और SPO2 का रिजल्ट भी काफ़ी एक्यूरेट आता है। बाकी आप किसी भी वॉच पर रिलाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है। और देख सकते हैं इसका जो सेंसर साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है तो एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंपेयर करके आप लोगों को दिखाता हूँ, तो ये है पेबल की कॉस्मोस प्रो और देख सकते हैं इसका जो सेंसर साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। उसके बाद चलते हैं दूसरी वॉच पर, तो ये है नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2, तो इसका सेंसर साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। और अभी आप देख सकते हैं ये है हेलो के RS4 और इसका सेंसर साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। काफ़ी पहले मैंने एक वीडियो बनाया था टिक वॉच GTH के ऊपर जो कि काफ़ी अच्छी वॉच थी और एक्यूरेसी ज़बरदस्त देखने को मिलती थी, तो देख सकते हैं टिक वॉच GTH है और इसका भी सेंसर साइज़ काफ़ी बड़ा था। तो सेंसर बड़ा होने का फ़ायदा है एक्यूरेसी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है और काफ़ी जल्दी से ये रीडिंग कर लेती है। उसके बाद इस वॉच में स्लिप ट्रैकिंग का फीचर मिल जाता है और इसकी भी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, आपको डीप स्लिप, लाइट स्लिप और अवेक टाइम भी शो हो जाता है। और मैंने इसको 3 दिन चेक किया और तीनों दिन की रीडिंग काफ़ी एक्यूरेट थी। लास्ट में यहाँ पर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फीचर मिल जाता है, तो इनहेल एक्सहेल करके आप अपनी ब्रीथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो फिटनेस के लिहाज से देखें तो काफ़ी अच्छी वॉच है, एक तरह से फिटनेस डेडिकेटेड वॉच है। बाकी अगर इस वॉच में GPS होता तो और भी मज़ा आ जाती है, बाकी एक्यूरेसी बिल्कुल ज़बरदस्त देखने को मिली। आते हैं नोटिफिकेशन पे, तो इस वॉच में आपको कॉल की और मैसेज की नोटिफिकेशन मिल जाती है, कॉल को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। वहीं मैसेज की बात करें तो मैसेज को आप पढ़ सकते हैं, रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें आपको हिंदी का सपोर्ट तो मिल जाता है बट उतने अच्छे से विजिबल नहीं होती है हिंदी, और इसमें आपको उर्दू का सपोर्ट भी मिल जाता है और उर्दू भी उतने अच्छे से लिखी हुई नहीं आती है, बस इंग्लिश में आप मैसेज पढ़ सकते हैं इसमें।
कनेक्टिविटी की बात करें तो इस वॉच में ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिल जाता है और इसकी कनेक्टिविटी सुपर फास्ट है। अगर आप फोन का ब्लूटूथ ऑफ करते हैं, दोबारा से ऑन करते हैं, तो ये तुरंत पेयर हो जाती है। बाकी ऐप सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको हेलो फन एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है। एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो सबसे पहले पेज पर जाएंगे तो यहाँ से आप जो जो एक्टिविटी करेंगे उसके रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप काउंट के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, और वीक का डेटा भी आप देख सकते हैं, मंथ का डेटा भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा हार्ट रेट किस तरह से ऊपर नीचे हो रहा था, तो वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप स्लीप ट्रैकिंग देख सकते हैं, तो मैंने इसको 3 दिन यूज़ किया है, तो यहाँ पर वीक में जाते हैं तो देख सकते हैं 3 दिन का डेटा आपको शो हो जाएगा। उसके बाद जाते हैं और यहाँ पर आप SPO2 और अपना वेट वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, तो यहाँ से आप एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको प्रोफाइल मिल जाती है, और यहाँ पर चलते हैं स्पोर्ट पहले पेज पर, तो ऊपर देख सकते हैं माई स्मार्ट डिवाइस, तो इस पर जाएंगे तो यहाँ पर आपकी वॉच कनेक्टेड है। और इसमें जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले डायल सेटिंग है, तो यहाँ से वॉच फेस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ मॉनिटरिंग, तो इसका आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हार्ट रेट आपको ऑटो रखना है या फिर मैनुअल रखना है, वो सब आप देख सकते हैं। आपको किस एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन चाहिए वो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और काफ़ी सारे एप्लीकेशन का आपको सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप वॉच की भी सेटिंग कर सकते हैं इसमें से, जैसे कि आपको जो फीचर पहले रखना है वो सब आप इसमें रख सकते हैं। उसके बाद DND अलार्म क्लॉक, तो यहाँ पर आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं। वॉच में आपको अलार्म का फीचर नहीं मिलता है, आप एप्लीकेशन की मदद से अलार्म लगा सकते हैं। उसके बाद सेडेंटरी रिमाइंडर आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद कॉल नोटिफिकेशन को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। रेस्ट टू वेक, और यहाँ पर जो स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है वो 15 सेकंड्स का ही मिलता है, तो ये थोड़ा सा मुझे कम लगा। और उसके बाद टाइम फॉर्मेट और वेदर को यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, तो ये सब फीचर्स मिल जाते हैं इसकी एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन भी काफ़ी ऑप्टिमाइज है, मुझे कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिला। इस वॉच का UI भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी सिंपल और स्मूथ UI देखने को मिल जाता है। सबसे पहले ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग में जाने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, DND एक्टिवेट कर सकते हैं, फाइंड मी डिवाइस का फीचर मिल जाता है, और यहाँ पर डेट और टाइम वगैरह आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो आप मेन्यू में चले जाएंगे, जहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्लिप ट्रैकिंग, उसके बाद SPO2, हार्ट रेट, एक्टिविटी, और यहाँ पर वेदर का फीचर मिल जाता है। और राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो भी यही फीचर मिलते हैं, लूप में दिया गया है। बाकी इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, किसी भी फीचर को आप ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले पर टैप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ से वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं, और बटन को प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो सिंपल सा UI है और काफ़ी बटरी स्मूथ देखने को मिला। लास्ट में आ जाते हैं इसकी बैटरी बैकअप पे, तो यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप बिल्कुल ज़बरदस्त देखने को मिलता है। मैंने काफ़ी सारी वॉचेस यूज़ किए हैं, सस्ते से लेकर महंगे तक, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी ने जितना बोला है उतना ही आपको बैटरी बैकअप मिले। कंपनी बोलती है 10 दिन का तो आपको मिलता है 7 से 8 दिन का, बट इस वॉच में ऐसा नहीं है। इसमें आपको 230 mAh की बैटरी मिल जाती है, और कंपनी का कहना है कि आपको 10 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। और देख सकते हैं मैंने इसको 5 दिन यूज़ किया है और अभी इसकी बैटरी है 49%, देख सकते हैं। जब वॉच आई थी तो इसकी बैटरी कम थी, तो उसको मैंने चार्ज किया, मैंने फुल किया, उसके बाद यूज़ करना शुरू किया, तो देख सकते हैं 5 दिन में इसकी बैटरी 51% डाउन हुई है। तो 10 दिन का आपको आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो कि मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा। तो अब आते हैं वर्डिक्ट पे कि क्या इस वॉच को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें प्राइस की, तो इसका प्राइस है $59.9, इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो होता है 4,300 रुपये, और 4,300 के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त वॉच है। यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और एक्यूरेसी बिल्कुल ज़बरदस्त मिलती है। उसके साथ ही बैटरी बैकअप भी तबाही मिलता है। बाकी कॉन्स की बात करें तो एक दो कमी मुझे लगी, क्योंकि कोई भी वॉच परफेक्ट नहीं होती है। सबसे पहले कमी, यहाँ पर आपको GPS नहीं मिलता है। अगर GPS मिल जाता तो बिल्कुल मज़ा आ जाती। बाकी दूसरी कमी की बात करें तो एमोलेड डिस्प्ले तो मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता है, और हो सकता है अपडेट के साथ वो आ जाए। बाकी अभी के टाइम में ये मुझे दो कमी लगी इसमें। बाकी रही बात कि इसको किस तरह से परचेस करें, तो ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इसको लेने के लिए आपको हेलो की वेबसाइट से परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल नहीं है। और इसको लेने में थोड़ा सा रिस्क भी है, क्योंकि मैंने इसको जब परचेस किया वॉच आई, तो मुझे कस्टम चार्ज भी पे करना पड़ा लगभग 840 रुपये, तो मेरी वॉच हो गई लगभग 5,000 के ऊपर। तो अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो आप लोग ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वॉच मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इसका बैटरी बैकअप ज़बरदस्त है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।